नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में और ईवीएस अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। और फिर मैं लेकर आई हूँ आपके पास रोजमर्रा की अपनी ईवीएस की क्लास 7, ठीक है, जिसमें आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ है नॉट नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि कैसा डिजीज है, कॉम्युनिकेबल डिजीज है जो एक जगह से एक से दूसरे को फैल सकता है। नॉन कॉम्युनिकेबल क्या होता है, जो फैलता नहीं है, और कॉम्युनिकेबल क्या होता है, जो फैलता है एक से दूसरे को। तो बात यहाँ क्वेश्चन बड़ा घुमा के ये दिया हुआ है, ये यूपी टेट में आया क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। दैट मीन्स नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि कैसा डिजीज होगा, कॉम्युनिकेबल डिजीज होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऑर्थराइटिस, सेकेंड रिकेट, तीसरा हाइपरटेंशन, चौथा है कॉलरा। रिकेट क्या होता है, हड्डी का, ये भी क्या है, हड्डी से रिलेटेड है। हाइपरटेंशन भी आपकी कॉम्युनिकेबल नहीं है, ये तीनों क्या है, कॉम्युनिकेबल नहीं है, यानी कि कॉलरा क्या होगा, कॉम्युनिकेबल है। ये किससे होता है, फूड और वाटर से होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज की। कॉम्युनिकेबल डिजीज यानी कि कॉलरा कैसा है, कॉम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसको देखते हैं क्या होता है, डिफाइन करता है कॉम्युनिकेबल डिजीज को कि द डिजीजेस विच आर इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसेबल फ्रॉम अ बॉडी टू बॉडी through biological agents in human and animals। बात हो रही है communicable, यानी एक से दूसरे को बीमारी होना। तो बात कहता है क्या कि ये एक infection होता है जो, और ये transferable होता है, मतलब एक से दूसरे को transfer होता है body to body। Okay, through किसके द्वारा, biological agent कौन हो सकते हैं इसके, human भी हो सकते हैं और animal भी हो सकते हैं। Okay, ऐसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्युनिकेबल डिजीज। जिसका एग्जाम्पल पहले क्या था, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, जो 2.5 दिन का होता है। ये आप देखना, अगर एक को जुकाम है तो दूसरे घर घर में अगर किसी एक बंदे को जुकाम है तो सबको जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो ये छींकने से ही वो जुकाम होता है, उसके क्या स्प्रेड, जो वाटर मतलब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो, उससे ही इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो वो क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज में आ गया। COVID-19 जो हम लोग 2000 अपने 19 से सब कुछ देखते आ रहे हैं और इसको बहुत ही बेहतर जान गए, ये क्या है, COVID-19 भी क्या है, आपका क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज में है। कॉलरा, कॉलरा किससे आता है, पानी और खाने और पानी से आता है, खाना। हम लोग अब बात करते हैं नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज की। ये डिजीज जो होता है, वर्ड से ही आ रहा है कि ये कॉम्युनिकेबल नहीं है, मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है। डिफाइन करते हैं इसको, द डिजीज दैट इज नॉट ट्रांसमिसेबल डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू बायोलॉजिकल एजेंट्स। यह जो है डायरेक्टली वन पर्सन टू अनदर को ट्रांसमिसेबल नहीं होता है थ्रू बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट हमारे हम लोग कौन है, ह्यूमन एंड एनिमल। ओके, इस ये ट्रांसमिशन नहीं होता है। जिसका एक एग्जाम्पल है क्या, अस्थमा। अगर घर में अगर किसी को अस्थमा है तो जरूरी नहीं कि किसी और फैमिली मेंबर में और भी लोगों को अस्थमा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेकंड है डायबिटिक, थर्ड है हाइपरटेंशन, रिकेट, आर्थराइटिस, और इसके अलावा और भी अगर आपको ऐसे कोई दिखते हो तो आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। कहता है डायबिटिस भी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायबिटिस जो होता है वो आपको बायोलॉजिकल, वो मतलब बायोलॉजिकल इन द सेंस कहने का ये है कि ट्रांसमिसेबल नहीं है, ये कम्युनिकेबल नहीं है कि घर में एक सदस्य को है तो दूसरे को भी डायबिटीज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या कोई जरूरी नहीं है। उसी तरीके से हाइपरटेंशन, रिकेट्स, आर्थराइटिस, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, अब कम्युनिकेबल में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ डिजीजेस का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कम्युनिकेबल में, कॉम्युनिकेबल डिजीज।
जिसमें मैंने आपसे बात की थी कोलरा की। यहाँ मैंने एग्जाम्पल क्या आंसर हमारा क्या है, कोलरा। कोलरा के लिए बात हो रही है कि कोलरा आखिर फैलता कैसे है। ये फूड एंड वाटर से इसका ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। उसी तरीके से टाइफाइड है, ठीक है, ये भी फूड एंड वाटर से होता है। अब बात हो रही है इन्फ्लुएंजा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अभी फिर बता रही हूँ COVID-19। ये सारे जो हैं ये आपको एयर टू एयर आता है, ठीक है। मलेरिया जो हो गया, ये मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो से होता है, ठीक है। तो यह सारी चीजें क्या है, ये आपको कॉम्युनिकेबल डिजीज में आती है, ठीक है। अब बात हो रही है कि हमारा ऑप्शंस, यानी कि हमें इसका आंसर मिल चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, जो कि कौन सा है, कॉलरा है। कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने क्वेश्चन को टर्न मार के, मतलब होता है ना सीधी नाक ना पकड़ के घुमाकर नाक पकड़ी है। नॉट नॉन कॉम्युनिकेबल यानी कि कॉम्युनिकेबल डिजीज की बात हो रही है, इस बात का आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, इसके ऑप्शन क्या होंगे, कॉलरा। कॉलरा कैसा डिजीज है हमारा, कॉम्युनिकेबल डिजीज है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। कल मैं फिर मिलती हूँ आपको EVS के नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, नमस्कार।